आज का हमारा सफर इस वाली बस में रहने वाला है। GSRTC की ऑरेंज कलर में डिलक्स एक्सप्रेस बस है। सफर रहने वाला है अहमदाबाद से डीसा। तो मूछ आप देख लीजिए, यह राजधानी एक्सप्रेस इस वाली बस का नाम है। RSRTC अहमदाबाद से जोधपुर। हमारा मेहसाणा का बस पोर्ट। अगर आप उंझा में आ रहे हैं, एंटर हो गए तो अब आपको पता चल जाएगा स्मेल से कि जीरू यहाँ पे बहुत ही फेमस है। जय द्वारकाधीश, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और GSRTC डेकोरेशन बस सीरीज के 18 नंबर के एपिसोड में। आप सबको गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 5:12। तो आज की हमारी डेट ऑफ जर्नी है 7 अप्रैल 2024। तो आज आपके लिए मैं पेश करता हूँ एक और प्यारा सा सफर। आप लोगों की बहुत सारी कॉमेंट थी कि आशीष भाई आप हमारे उत्तर गुजरात की जर्नी ला नहीं रहे। तो बस आज आपके लिए मैं पेश करता हूँ हमारे उत्तर गुजरात की बस जर्नी। बस आज के हमारा सफर रहने वाला है अहमदाबाद से डीसा तक। बहुत ही प्यारी जो है बस, मिनिमल सा जो डेकोरेशन किया है तो वो बस को मैंने इस वाली सीरीज में मैंने ऐड किया है। आज हम सफर करने वाले हैं GSRTC की ऑरेंज कलर में डिलक्स एक्सप्रेस बस। हमारा राइट टाइम है 5:45 का है अहमदाबाद गीता मंदिर सेंट्रल बस स्टेशन से। ये देख लीजिए गीता मंदिर का सेंट्रल बस स्टेशन। सुबह सुबह काफी सारी GSRTC की बसेस खड़ी है, अपने रूट पे जाने के लिए तैयार है। तो बस अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद से डीसा तक। आज का हमारा सफर इस वाली बस में रहने वाला है। देख लीजिए हमारी GSRTC की ऑरेंज कलर में डिलक्स एक्सप्रेस बस है। सिपुर डेपो की ये गाड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस बनास डिवीजन डिलक्स एक्सप्रेस गुजरात ST रूट वर्ड आप देख लीजिए। हमारा सफर रहने वाला है अहमदाबाद से डीसा। एंड टू एंड जर्नी करके आपको दिखाएंगे वाया है सुभाष ब्रिज, अडालज, मेहसाणा, उंझा, सिपुर और लास्ट में पालमपुर होके डीसा। तो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए ऐसा कुछ हमारा डेकोरेशन है, मिनिमल सा जो है डेकोरेशन किया है। तो मूछ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है रेडियम का वर्क किया है। राजधानी एक्सप्रेस इस वाली बस का नाम है। जिन्होंने गाड़ी सजाई है साजिद भाई, वो हमारे बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड है। आज जो हमारे कैप्टन रहने वाले हैं मुन्ना भाई, वो भी हमारे बहुत अच्छे फैन है। मैं आपको मिलाता हूँ, कंडक्टर साहब से भी मिलाता हूँ, टिकट में आपको दिखाता हूँ। ड्राइवर कैबिन में लाइट भी बहुत ही अच्छी लगाई है। अंदर आप देख लीजिए इंडियन फ्लैग है, साइड से कुछ देख लीजिए। अंदर चलते है, अंदर देख लीजिए कुछ 3x2 का कॉम्बिनेशन है। ब्लू कलर की सीट है, टोटल 52 सीट्स से। पीछे लिखा है राजधानी एक्सप्रेस, यहाँ पे भी प्यारा सा लाइट लगाया हुआ है। देख लीजिए 3 नंबर की सीट मेरी रिजर्वेशन है। यहाँ पे ये हमारा ड्राइवर कैबिन हो गया, जो है फूल लगाया हुआ है इमोजी टाइप्स। यहाँ पे जो है थोड़ा शो बनाने के लिए ये लगाया है, और लहार हो गया, ये रूट बोर्ड हो गया कलरिंग। अशोक लेलैंड की बस है, ऐसा कुछ हमारा ड्राइवर कैबिन है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे क्रू, ये रहे हमारे कैप्टन। कैसे हो? क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। आज के हमारे कैप्टन रहने वाले हैं, ठीक है, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये रहे हमारे कंडक्टर साहब, क्या नाम है आपका? ओके, सो हमारी बस के आज कंडक्टर है। कितने बजे का टाइम हमारी बस का? 5:45 सुबह का। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर कितने लगेगी? 18 से 20। तो दोस्तों आप देख लीजिए इस तरीके से कुछ हमारा गीता मंदिर का सेंट्रल बस पोर्ट है। काफी सारी जो है पब्लिक यहाँ पे खड़ी, और हमारी गाड़ी जो है 17 नंबर के प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। 5:45 को हमारी गाड़ी निकलेगी अहमदाबाद से डीसा तक। तो दोस्तों आप देख लीजिए काफ़ी सारी जो सवारी हमारी बस में जो अभी बैठी हुई है, और हमारे मास्टर अभी हमारी टिकट जो है देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, थैंक यू। तो देख लीजिए इस तरीके से कुछ हमारी एडवांस बुकिंग वाली टिकट है GSRTC की अहमदाबाद से डीसा। टोटल जो डिस्टेंस है 182 किलोमीटर होता है। फेयर हमें लगा है 153 रुपीज़ अहमदाबाद से डीसा एक्सप्रेस बस।
टाइम 5:45 जीएसआरटीसी का कन्फर्म टिकट है, ठीक है, 3 नंबर की सीट। जो भी अहमदाबाद का पिकअप स्टेशन आएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इस वाली बस में आप कहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। अभी नॉन स्टॉप ही चलेंगे, अभी रानी का बस स्टेशन आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए, ये है जमालपुर का फूल बाजार। वाह, सुबह सुबह काफ़ी जो है भीड़ है यहाँ पे, और आज संडे भी है। वैसे ये आ चुकी है हमारे अहमदाबाद की साबरमती रिवर, और वो सामने आपको दिख रहा है वो अहमदाबाद का अटल ब्रिज। जेएसआरटीसी की लोकल बस अहमदाबाद कड़ी बेचरा जी। छः बज के 11 मिनट हो रहे हैं सुबह के, और पहुंचे हैं रानीप के सेंट्रल बस टर्मिनल पे। आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा जो है बस टर्मिनल है। हमारे अहमदाबाद का सेकंड लार्जेस्ट बस स्टेशन है ये। हमारे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग चुकी है, जो भी पैसेंजर जो भी सवारी होंगे उनको लेके फिर अभी आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे राजस्थान की बसेस भी है, खड़ी है, आती है राजस्थान से RSRTC। यहाँ से भी काफी सारे बस जो है ओरिजिनेट होती है। ये वॉल्वो जा रही है रानीप से वडोदरा। यहाँ तक हमने 12 किलोमीटर की जर्नी जो है तय की है, चलिए चलने के लिए तैयार है। देख लीजिए, व्हाइट एलिफेंट हमारा, व्हाइट हाथी। सनराइज होता हुआ हल्का हल्का सा। पहुंचे हैं अडालज के ST पिकअप स्टैंड पे, छोटा सा पिकअप स्टैंड है। 2-3 सवारी यहाँ से भी हमने बोर्ड की है। आप देख लीजिए, काफ़ी सारे जो पैसेंजर है सफ़र का मजा ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे। बहुत ही प्यारा सा जो हाईवे है, 4-लेन हाईवे है। सुबह के 7 बजने को आए और पहुंचे हैं अंबिका। यह है अंबिका, कलोल का पिकअप स्टैंड है बाहर आउटर साइड पे, छोटा सा पिकअप स्टैंड है हाईवे पे। भोपाल डीसा, वैसे ये मेहसाणा का एंट्री है, यहाँ से ये मेहसाणा बाईपास चला जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से हम मेहसाणा में एंट्री लेंगे। करीब 7:42 हो रहे हैं और पहुंचे हम मौजिलू मेहसाणा में। आप देख लीजिए, ये मेहसाणा का बस पोर्ट
काफी बड़ा ये बस पोर्ट। मेहसाणा में दो बस स्टेशन, एक सेंट्रल बस स्टेशन जो हमारा है मेहसाणा के बीचों बीच, और ये दूसरा जो हाईवे पे नया बना हुआ है मेहसाणा बस पोर्ट, आप देख लीजिए काफी सारी जेएसआरटीसी की बसेस खड़ी। यहाँ पे हम 5 से 7 मिनट खड़े रहेंगे जिनको फ्रेश होना है। वॉशरूम भी अंदर ही, हमारे कंडक्टर साहब से थोड़ी बातचीत करके फिर हमारी जर्नी को जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए हमारा मेहसाणा का बस पोर्ट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। काफी सारे पैसेंजर जो है यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं अपनी बसेस का। 8 नंबर के प्लेटफॉर्म पे हमारी बस लगी है। बस हमारे चल रही है भोपाल डीसा, मैंने आपको हाईवे पे दिखाई, उसके पास चल रही है वागोड़िया दियोदर, या आ चुके हैं अहमदाबाद से बाबर। चलिए चाय पानी करते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए हमारा मेहसाणा का एसटी कैंटीन, ठीक है। यहाँ पे हमने पोहे मंगाए हैं हमारे कैप्टन साहब ने, और ये रहे हमारे दोनों कैप्टन और कंडक्टर साहब। आपको कितने साल हो गए जीएसआरटीसी में? 6 साल। और हमारे कंडक्टर साहब आपको कितने साल हो गए? 13 साल। 13 साल हो गए। फिक्स चलते हैं आप इस वाले रूट पे? राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस में फिक्स चलते हैं, ठीक है। आपके वो जो साथीदार है उनका नाम क्या है? साजन। साजन भाई जो अभी फिलहाल छुट्टी पे है। अभी कौन सा बस स्टेशन आएगा? आगे आएगा ऊंचा। मेहसाणा से ऊंचा है 24 किलोमीटर। वैसे मेहसाणा से पालनपुर तक 6 लेन हाईवे है, आप देख लीजिए बहुत ही प्यारा सा। तो दोस्तों 8:30 बजे है और पहुंचे हैं ऊंझा। ये है ऊंझा का बस स्टेशन, आप देख लीजिए इस तरीके से कुछ ऊंझा का बस स्टेशन है। टोटल 107 किलोमीटर की जर्नी हमने अहमदाबाद से ऊंझा तक कंप्लीट की है। वैसे यहाँ पे फेमस है हमारा जीरू और मसाले काफी सारे। अगर आप ऊंझा में आ रहे हैं एंटर हो गए तो अब आपको पता चल जाएगा स्मेल से कि जीरू यहाँ पे बहुत ही फेमस है इंडिया लेवल पे। अभी निकलते हैं यहाँ से लोकल। RSRTC अहमदाबाद से जोधपुर। तो दोस्तों आप देख लीजिए 8:40 होने आई, पहुंचे हैं सिद्धपुर के तावड़िया बस स्टॉप पे। वैसे सिद्धपुर का बस स्टेशन जो है अंदर की ओर है, हमारी बस नहीं जाती अंदर। पालनपुर का एरोमा सर्कल। वेलकम टू पालनपुर, पालनपुर का बस पोर्ट।
बाहर से कुछ नजारे। तो दोस्तों 9:14 हो रहे हैं और पहुंचे हैं पालनपुर में। यह है पालनपुर का बस स्पॉट, आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा जो है बस स्पॉट है। टोटल जो है 25 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। 153 किलोमीटर की जर्नी जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट की है। अभी यहाँ से हमारी 30 किलोमीटर की जर्नी जो है रह चुकी है बस यहाँ से। नॉन स्टॉप अभी हम चलेंगे डीसा की ओर। कौन कौन है पालनपुर से मुझे कमेंट करके बता देना। ये एरोमा सर्कल है, ये अहमदाबाद वाला हाईवे, यहाँ से ये वाला सीधा हाईवे चला जाएगा माउंट आबू आबू रोड की ओर, और यहाँ से अभी हम सीधे चलेंगे डीसा। डीसा में आपका स्वागत है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे उत्तर गुजरात के डीसा में। तो आप देख लीजिए, ये है डीसा का बस स्टेशन। राइट टाइम हो रहा है 9:51। हमने हमारी जर्नी सुबह 5:45 को स्टार्ट की थी अहमदाबाद के गीता मंदिर से, और अभी हम पहुंच चुके हैं डीसा। टोटल हमने 4 घंटे की जर्नी इस वाली बस में तय की है। हमारे कैप्टन साहब थैंक यू सो मच। और आप तो दूसरे रूट में है ना, कौन सा रूट आपका? सूरत। ओके, आप वो वाली गाड़ी भी सजाई हुई है ना, आपके साथ भी वो वाली बस में जर्नी करेंगे। और हमारे मास्टर थैंक यू सो मच, आपने कोऑपरेट किया हमारे साथ। वाली बस का डीसा से अहमदाबाद का टाइम कितने बजे का? 4 बजे। 4 बजे अभी ये कहाँ जाएगी? अभी सिपुर जाएगा, लोकल गाड़ी जाएगा सिपुर। सिपुर से रूटीन चेकअप होके फिर वापस यहाँ पे आएगी, फिर वापस यहाँ से लोकल आएगा, लोकल से यहाँ एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है। सो 4 बजे का टाइम है डीसा से, आप फिक्स चलते हैं ना। सो अगर आपको जर्नी करना है डीसा से अहमदाबाद तो मास्टर साहब ही मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच, आपने कोऑपरेट किया हमारे साथ, धन्यवाद। आपके साथ जल्दी जर्नी बनाएंगे सुपुर मेटा पर्वत के लिए, ठीक है? जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। और डीसा का बस स्टेशन है, और हमारे एक फ्रेंड पार्थ भाई, कैसे हो? बढ़िया। इनकी वजह से ये वाली जर्नी हमारी हो पाई है। सो होपफुली थैंक यू सो मच, इन्होंने पूरा जो है हमारा अरेंजमेंट करवाई इस वाली बस में ड्राइवर के साथ। की भी चैनल है आपकी, कौन सी चैनल है? तो बस इस वाले वीडियो को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक और जीएसआरटीसी डेकोरेशन बस के साथ एपिसोड नंबर 19 में। तब तक के लिए जय हिंद।